हेलो गाइस गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में। और ये जो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, ये गूगल का टूल है। और इस टूल पे अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, तो वो आप फ्री में कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने के लिए दिया जाता है। और जो मोस्टली ब्लॉगर्स होते हैं, जो कि माइक्रो नीश पे काम करते हैं या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पे काम करते हैं जिससे वो जल्दी रैंक करना चाहते हैं, या फिर मतलब जो एक तरीके से कह लो जो प्रो ब्लॉगर्स होते हैं, वो इस कीवर्ड टूल का यूज़ ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है। ओके, आप सभी को मालूम होगा कि गूगल एक कीवर्ड प्लानर टूल देता है जहाँ पर आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। तो इस पे लोग इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये गूगल का खुद का टूल है। ओके, तो यहाँ पर जो कीवर्ड की रैंकिंग, कॉम्पिटिशन और जो ट्रैफिक बताया जाएगा, वो गूगल अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बताएगा। और जितने भी हम लोग अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते हैं या फिर जो कीवर्ड मतलब आर्टिकल लिखते हैं, वो सभी आर्टिकल हम लोग गूगल पे ही पब्लिश करते हैं। ओके, जैसे हमारी वेबसाइट जो होती है, वो हम लोग गूगल पे ही इंडेक्स करते हैं और उन्हीं पे लोग आके सर्च करके हमारी वेबसाइट तक पहुँचते हैं। तो गूगल क्या करता है, इन सभी कीवर्ड्स की रिपोर्ट बना बना के अपने इस कीवर्ड प्लानर टूल पे रखता है। और जब भी कोई यूज़र आके अपने किसी भी टूल मतलब किसी भी कीवर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी रहती है उसको, तो वो इस कीवर्ड टूल से पता कर लेता है। ओके, तो चलो अब हम जानते हैं इस कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में और इस पे कैसे काम करते हैं। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने उस टूल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हम टूल की जो बात कर रहे थे, वो है गूगल का ही टूल, जिसे बोला जाता है गूगल एड्स। ओके, अब जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जैसे गूगल एडसेंस है, उसी तरह गूगल एड्स है। फ़र्क बस इतना है कि इस गूगल एड्स में आपको जब कोई एड्स रन कराने रहते हैं, जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई ऐसा कोई चीज़ आर्टिकल या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि वो लोगों के पास पहुँचे, तो उसके लिए ओके, तो यहाँ पर गूगल मतलब एड्स रन कराने का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एड्स रन कराए जाते हैं और इन्हीं एड्स जो ये एड्स यहाँ रन होते हैं, यही एड्स हम लोगों की वेबसाइट्स पे और जो यूट्यूब होता है और भी जितने गूगल के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वो एड्स शो किए जाते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि आपको एक कीवर्ड रिसर्च करने के बारे में भी दिया जाता है, क्योंकि जब आप कोई एड्स रन कराया जाता है तो उस एड्स की एक वैल्यू होती है, आपको उसी हिसाब से यहाँ पर पे करना पड़ता है अपने एड्स को रन कराने के लिए। और ये जो वैल्यू सेलेक्ट होती है, ये आपकी सर्चिंग के हिसाब से होती है। अब जैसे कि गूगल का ये प्लेटफॉर्म है कीवर्ड प्लानर, ठीक है, तो ये जो डाटा लाता है अपनी वेबसाइट पे, वो लाता कहाँ से है, वो लाता है गूगल से। जैसे गूगल का एक सर्चिंग टूल है, ठीक है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जितनी भी चीज़ें सर्च करते हैं, वो क्या करता है, जो गूगल होता है उसके बॉट्स, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसका डाटा स्टोर करके इस कीवर्ड प्लानर पर रखते हैं। और इस कीवर्ड प्लानर पे जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, तो वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट मतलब जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है गूगल की, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। मान लो जैसे अगर आप लोग कोई यूबर सजेस्ट यूज़ कर रहे हो या फिर एचटब कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंपेयरिंग मतलब कम होती है एक तरीके से। लो मतलब कह लो कि यूबर सजेस्ट हो, चलो और थोड़ा बहुत बिल्कुल लो क्वालिटी लो हो गया, बट एचरफ को आप कर सकते हो, एचरफ का यूज़ कर सकते हो। बट गूगल का ये खुद का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जो आपको डाटा मिलेगा, वो डाटा एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि जो हम लोग सर्चिंग करते हैं वो गूगल के ही सर्च टूल पे करते हैं, तो ये पूरा डाटा स्टोर होके इस कीवर्ड प्लानर पे आता है। ओके, इसलिए यहाँ पर जो भी डाटा मिलेगा कॉम्पिटिशन का और भी जितना आपका ट्रैफिक का और सीपीसी का, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ओके, तो अब चलते हैं, आपने ये सब तो जान लिया कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है, अब जानेंगे कि हम कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। तो मान लो जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, माइक्रो नीच वेबसाइट है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आप यहाँ पर किसी भी कीवर्ड को
सेलेक्ट करते हो, मतलब किसी भी कीवर्ड को जब रिसर्च करोगे तो उसके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स भी साथ में आ जाते हैं। लाइक मानो जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, माइक्रो नीश वेबसाइट है, ओके। तो अब कोई हम जब माइक्रो नीश वेबसाइट बनाते हैं, मान लो जैसे हमने कैप्शन से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना ली, तो कैप्शन से रिलेटेड वेबसाइट पर क्या होता है कि हमको ये नहीं मालूम होता है कि कैप्शन में कौन कौन से कीवर्ड सर्च करे जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कैप्शन हैं जिससे सर्च किए जा रहे हैं। तो हम जब गूगल पे आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे कैप्शंस, ठीक है, तो सीन क्या होगा कि जितने भी हमें पूरे रिजल्ट मिलेंगे वो कैप्शन से रिलेटेड मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या होगा कि जैसे कैप्शन में कितनी भी आर्टिकल है, मतलब जितने भी कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो सभी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और इस कीवर्ड से ही हम अपने आर्टिकल के लिए एक आइडिया लगा लेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखा इंस्टाग्राम कैप्शन, कैप्शन फॉर गर्ल्स, इंस्टाग्राम क्वेट्स, ठीक है, कैप्शन फॉर DP, इंस्टा कैप्शन, कैप्शन फॉर प्रोफाइल, ठीक है, कैप्शन फॉर बॉयज, क्यूट कैप्शन, फोटो कैप्शन, सेल्फी कैप्शन, बीच कैप्शन, बेस्ट कैप्शन, ठीक है, फनी कैप्शन, सेल्फी कैप्शन। तो ये सब हम लोग को आइडिया मिल गया कि सेल्फी कैप्शन पे भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं, फनी कैप्शन, बेस्ट कैप्शन, बीच कैप्शन, सेल्फी कैप्शन, फोटो कैप्शन। तो एक तरीके से ये कीवर्ड तो हमें मिला ही, साथ में हमें कंटेंट लिखने का आइडिया भी मिल गया, ओके। इसलिए जितने भी प्रो ब्लॉगर्स होते हैं वो इस कीवर्ड टूल को यूज़ करते हैं, क्योंकि माइक्रो नीच वेबसाइट के लिए कुछ ऐसे ही कीवर्ड्स और कुछ ऐसे ही आर्टिकल की ज़रूरत होती है जो कि जल्द से जल्द रिजल्ट दे। और गूगल की खुद का प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ पर जो डाटा मिलता है वो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है, और जिससे रिजल्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ही जल्द मिलता है, ओके। तो इसलिए अगर आप इस कीवर्ड टूल को यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, बट इन केस एक चीज़ है कि जब भी कोई न्यू यूज़र कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करने आता है तो वो यूज़ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि सीन क्या होता है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कैंपेन रन करना पड़ता है, एक मतलब कैंपेन रन करना पड़ता है गूगल एड्स का, जिससे आपको एड रन कराने पड़ते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना कि अगर आपको फ्री में ये एंट्री मिल जाए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ कीवर्ड फाइंड करो, रोज़ काम करो, कोई एक तरीके से कोई लिमिटेशन नहीं है। बट अगर हाँ, अगर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे देखना या फिर ट्राई करना जो आपकी ओल्ड जीमेल है, जो कि पुरानी जीमेल है, वहाँ से लॉगिन करके चेक करना, क्योंकि वहाँ से मिल सकता है, ओके। तो वहाँ पर जाना और चेक करना, चेक करने के बाद यहाँ पर आना। अब बताता हूँ आपको कि कैसे काम करना है। जैसे कि माना यहाँ पर हमें कैप्शन, जैसे कैप्शन से रिलेटेड मेरी माइक्रो नीश वेबसाइट है, हमें ये सारे कीवर्ड्स मिल गए कैप्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स से हमें आइडिया भी मिल गया कि हमें हाँ इन इन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखना है, ओके। अब हमने देखा कि आर्टिकल तो हमें लिखना है, पर क्या वो कीवर्ड्स सही में हमें रिजल्ट देंगे, क्या उस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है कि नहीं, तो वो सभी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये जो मंथली एवरेज सर्च, यहाँ मंथली एवरेज सर्च में ये बताया जाता है कि इस कीवर्ड की मंथली सर्चिंग कितनी होती है। तो ये सर्चिंग दिखाई गई है कि 10, मतलब 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, ओके। और कंपटीशन जो की है वो है लो है, और CPC भी दी गई है कि 13 CPC है इसकी, 13 पर, ये मान लो रुपीज़ में है क्योंकि मेरा रुपीज़ में सेट है, अगर डॉलर में आप सेट करोगे तो डॉलर में देगा। तो इसी तरह जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी सर्चिंग, उनकी कंपटीशन और इनकी CPC, कुछ कीवर्ड की CPC नहीं है तो वो भी यहाँ शो कर देगा कि इन कीवर्ड्स की CPC लो है। इस बेसिस पे यहाँ पर आप काम करना चाहो तो करो, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक के लिए काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ये चीज़ है वो एक्यूरेट शो करता है। तो CPC तो आप एक तरीके से समझो कि मिल ही जाएगी, पर ट्रैफिक और ये कीवर्ड, इन दोनों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो कॉम्पिटिशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, कि अगर लो है तो लो ही होगा, और जो सर्चिंग है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, इतने सर्चिंग तो होते ही होंगे, ओके। तो ये टूल सबसे बेस्ट होता है अगर आप बिगनर हो और कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाते हो, या फिर कोई कीवर्ड रिसर्च के लिए HRF जैसे टूल नहीं बाय कर पाते हो, तो आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। और उसके बाद चैनल पे अगर आए हो, वीडियो देखी है पूरी, कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।